नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज फिर कांग्रेस को घेरते हुए निशाने पर लिया और कहा कि लगातार जिस तरीके से कश्मीर के में आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और कांग्रेस को बोलने का तो अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये आतंकवाद कांग्रेस की ही देन है। इतने साल देश ने जो आतंकवाद झेला वो कांग्रेस के राज में ही हुआ। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि अब सरकार पूरी ताकत लगाकर इन आतंकवादियों का फन कुचलने का प्रयास कर रही है, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की तो ये देन है, ये जो इतने साल हमने आतंकवाद झेला कांग्रेस के राज में ही हुआ। अब सरकार पूरी ताकत लगाकर इन आतंकवादियों का फन कुचलने का प्रयास कर रही है, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय सबको, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 नवंबर 2021 से विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के हकदार प्रत्येक पात्र परिवार के डेटा को सत्यापित किया जाए और जल्द से जल्द आवश्यक नियमों और नीतियों का प्रारूप तैयार करे, ताकि लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो न केवल पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सभी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी, बल्कि इससे हर परिवार को एक अलग परिवार आईडी मिलेगी, जो सभी सरकारी सेवाओं के लिए मान्य होगी। गरीबों की भलाई में अभी तक जो ध्यान में आया है कि बहुत सी योजनाएं, बहुत सी स्कीम, चाहे वो मरकज सरकार की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो जमीन आती हैं योजनाएं, आगे कुछ तो उसका लाभ उठा लेते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता क्या योजनाएं हैं। तो ऐसी सब योजनाओं को लाभ सबको मिले, उसके घर तक वो योजना पहुँचे, इसके लिए एक स्कीम हमने बनाई है जो परिवार पहचान पत्र। यानी अभी तक तो व्यक्ति का आधार कार्ड बनता है आदमी का अपना इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल आधार कार्ड से आदमी जो अपना कोई काम उसे करा सकता है, अब परिवार में फैमिली में किस चीज़ की कमी है, कोई रोजगार है कि नहीं है, कोई उसकी आमदन कितनी है, वो क्या काम करता है, उसके जो मेम्बरान हैं परिवार के वो क्या क्या उसकी पढ़ाई की हुई है, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो ऐसे सब चीज़ों का उसमें लेखा जोखा एक परिवार का फैमिली आईडी के नाते से होगा। ऐसी लगभग 64 लाख परिवार उसमें रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन हो सकता है हमारे आसपास के लोगों में कुछ लोगों ने परिवार। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सरकारी कर्मचारी भी अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में भाग ले सकेंगे। हरियाणा सरकार ने सोमवार को 1967 और 1980 में जारी दो आदेशों को वापस ले लिया, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। इस फैसले के बाद अब हरियाणा सरकार के कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं।
इस आदेश पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश को टैग कर आरएसएस के प्रचारक रह चुके मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया। अब हरियाणा के कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट, सरकार चला रहे हैं या बीजेपी आरएसएस की पाठशाला। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहते हुए नजर आए कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाए और डिजिटल व्यवस्था को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन करें, ताकि प्रदेश के शहरों में चल रहे विकास कार्यों पर डिजिटली तौर पर निगरानी रखी जा सके और उन्हें समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के नगरों में चल रहे विकास कार्यों के लिए एक पारदर्शी योजना बनाई जाए और इस योजना के अनुसार विकास कार्यों की रैंडम चेकिंग भी की जाए। इस योजना के तहत तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि लोगों को घर बैठे ही नगर निकायों की सेवाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित चल रहे सभी विकास कार्यों की समय सीमा निर्धारित की जाए और यदि कोई ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाते हुए कार्रवाई की जाए। उधर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौल में नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने बाछोद एयरपोर्ट, कोयले की कमी, बाजरे की खरीद विषयों पर मीडिया से बातचीत की। प्रोजेक्ट्स हैं और मेजॉरिटी रूरल कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने के लिए उम्मीद है कि क्षेत्र के अंदर कनेक्टिविटी इनसे बेहतर होगा। साथ में आज एयरपोर्ट का हमने निरीक्षण भी किया है और खुशी होती है साझे करते हुए कि पूरे देश का इकलौता स्काई डाइविंग अगर कहीं होती है तो वो हमारी बाछोद की एयर स्ट्रिप पर होती है। आज उनसे भी चर्चा करी है, मैं कोशिश करूँगा अगर प्रोग्राम से जल्दी फारिग हो गया तो मैं भी आज यहाँ उनका डाइव कर जाऊँ। निरंतर सरकार केंद्र सरकार से वार्ता में है। हमारे पास आज के दिन में लगभग 25 दिनों का कोयला यहाँ पर उपलब्ध है। और कल जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने मीटिंग लेकर यह शोर किया है कि दिल्ली और हरियाणा के कोयले की सप्लाई को एडिशनल रैक्स देकर रेलवे से हम सपोर्ट करें, तो मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में वैसा संकट हमारे साथ ना कहीं। जिस दिन ये निर्णय लिया गया कि हम भावंतर के अंदर MSP को टच कर रहे हैं, उस दिन बाजरे का रेट 1650 रुपये मार्केट में, आज के दिन रेट कम हुआ है पर हमने ये अश्योर किया है फार्मर आज बेचे कल बेचे चाहे दो महीने बाद बाजरे, अगर वो रजिस्टर्ड है तो सरकार प्रति एक फार्मर को 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसके खाते में जो एवरेज यील्ड है उस हिसाब से पैसा ट्रांसफ़र करे। और हमारा अक्टूबर महीने के अंत तक का ये निर्णय था। मैं उम्मीद करता हूँ और जाते ही चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी मैं लूँगा कि हम 17 तारीख जो संडे है उससे पहले 600 रुपये किसान के खाते में भेज रहे। शक्ति को बढ़ाया है और उसका नतीजा है कि पहले साल में जहाँ 90-92 FIRs होती थी, अब ब्रीच के केसेस 1250 और FIRs तो और ज़्यादा है। तो शक्ति बढ़ेगी तभी सिस्टम सुधरेगा। सिस्टम एक दिन में तो सुधरता नहीं, मगर दो साल में जितना हम सुधार पाए हैं, आप अगर आज किसी वेंडर से पूछो, लाइसेंसी से पूछो, वेयर हाउस वाले से पूछो, तो इस चीज़ के बहुत बड़े मात्रा में कटौती है, बिल्कुल ब्रीच होती है। और तमाम अधिकारियों को सख्त आदेश है कि अगर कोई ब्रीच करता पकड़ा गया तो उसको बख्शना होगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अपना भारत मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर, जो किसी समय कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, आज अपनी ही पुरानी पार्टी को ब्लैकमेलर, ठगों और लुटेरों का गिरोह बता रहे हैं। तंवर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में जो जितना बड़ा ब्लैकमेलर और लुटेरा होगा उसको उतना ही फायदा मिलेगा, और जब तक सोनिया गांधी ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगी तब तक पार्टी इसी तरह से नीचे जाती रहेगी। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने के लिए 80% सब्सिडी दी जा रही है। सरकार के इस स्कीम का मकसद प्रदूषण पर काबू पाना है, ताकि किसान इन कृषि यंत्रों को खरीदकर फसल अवशेषों से हो रहे प्रदूषण पर काबू पा सके, जिसको लेकर अंबाला में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी किसान अपनी मशीनरी की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे। सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि यहां 274 किसानों ने आवेदन किया है। किसी भी किसान को यहां कोई समस्या नहीं होगी, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। आज अंबाला 1 और अंबाला 2 ब्लॉक के किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन आज जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा किया जा रहा है। तो आज सभी किसान अपने कृषि यंत्र लेकर यहाँ भौतिक सत्यापन के लिए आए हैं। इसमें कृषि यंत्रों में जो व्यक्तिगत किसान है वो भी कृषि यंत्र लेकर आए हैं, और उनके सभी दस्तावेज आज सभी इनका दस्तावेज का चेक करके कृषि यंत्रों को पास कर दिया जाएगा। भौतिक सत्यापन आज किया जाना है। 2 दिन का प्रोग्राम है, और कस्टमारी सेंटर के किसान भी यहाँ अपने कृषि यंत्र लेकर आए हैं। तो आज अम्बाला 1 अम्बाला 2 का यहाँ है। हमने एक नेशनल की जीरो ड्रिल ली थी कनक बिजाई के लिए, जो कि जिसपे हमें सरकार की तरफ से 28,000 रुपये सब्सिडी मिली है, और सरकार की है पॉलिसी बहुत अच्छी है, जो किसानों को कृषि यंत्रों पे सब्सिडी देके जो कृषि में सुधार पे जो दिन पर दिन प्रयत्न किए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और आज मैं इसी के लिए पुलिस लाइन अम्बाला सिटी में आया था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, और ये जो हमारी अच्छी तरह सक्सेसफुल हो चुकी है, इसके लिए आप सरकार का, हरियाणा सरकार का, और जिन्होंने हमें इस पे हमें 28,000 पे। यमुनानगर में सभी निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीज दाखिल हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को यह निर्देश जारी किए हैं कि डेंगू का मामला सामने आने पर जिला स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया जाए, लेकिन इसके बावजूद कई अस्पताल इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे। यमुनानगर जिले में जहाँ अभी तक 4,718 घरों और सरकारी कार्यालयों को डेंगू का लार्वा बढ़ाने में दोषी पाया गया है और उन्हें नोटिस जारी किया है, वहीं आम लोगों को डेंगू के खिलाफ जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। यमुनानगर के 38 सरकारी कार्यालयों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चेक किया, जिसमें से 3 विभाग डेंगू को बढ़ावा देने में शामिल नजर आए। रिपोर्ट है आपके पास सर? देखिए, जो भी हॉस्पिटल में मरीज आता है, यदि उसको फीवर का आ रहा है और उसको दिक्कत आ रही है, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो उसकी एक सीरोलॉजिकल जांच होती है। आजकल ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में कार्ड से टेस्ट करते हैं, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। उसको अगर किसी भी वायरल फीवर में भी करोगे, क्योंकि ये भी डेंगू भी एक वायरल फीवर ही है, तो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, वो पॉजिटिव आ जाता है। जब हम सीरोलॉजी करते हैं तो कन्फर्म होता है, और वायरस की बीमारी में भी वायरल, जो सिंपल वायरल फीवर आजकल चल रहा है, उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि वाकई वो डेंगू है या वो वायरल फीवर है। किसी भी वायरल फीवर में हमारा प्लेटलेट का स्तर एक बार कम होता है और फिर वो बढ़ जाता है, इसी तरह से डेंगू में होता है। तो डेंगू में लगातार परसिस्टेंटली कई बार काफ़ी हद तक भी जो है प्लेटलेट फॉल हो सकते हैं, इसलिए उसका सीरोलॉजिकल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर डेंगू का केस आता है, पॉजिटिव आता है, तो उसको विभाग, हर प्राइवेट हॉस्पिटल को उसको नोटिफाइबल डिजीज है, उसको स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देना जरूरी है। हरियाणा के कैथल जिले में भी डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को डेंगू के 6 नए केस मिले, अब संख्या 82 तक पहुंच गई। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि डेंगू को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से गंभीर है। डेंगू मरीजों के लिए अस्पताल में निःशुल्क सैंपल लिए जाते हैं। ओपीडी में आने वाले मरीजों में लक्षण नजर आते हैं तो उनके सैंपल लिए जाते हैं, पुष्टि होने पर इलाज शुरू किया जाता है। लोगों को डेंगू को लेकर लापरवाही ना बरतने की भी सलाह दी गई, साथ ही घरों के बाहर पानी जमा ना होने दें, घर में रखे पानी के बर्तनों को नियमित रूप से सफाई करते रहें, छत पर रखे पुराने सामान में भी अगर पानी जमा है तो उसे साफ कर दें, मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग भी करवाई जा रही है।
यमुनानगर में धान की खरीद में मंडी अधिकारी आड़ती सरकार को चूना लगाने की योजना बना रहे थे। इस योजना में शायद वे कामयाब भी हो जाते, लेकिन दोनों के बीच हुई लेनदेन की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद मंडी सचिव ने दोनों के खिलाफ सरकार के राजस्व को चूना लगाने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। बिलासपुर अनाज मंडी में उन्होंने कंप्लेंट की है मेरे को तो रात में, और कभी ऐसे से कभी हमारा सुपरवाइजर कोई बात की है उसके साथ जो है ना उनमें कोई लेन देन की बात हो रही है, सरकार को चूना लगाने के उसमें लगे हुए हैं, चूना लगा रहे हैं क्योंकि लेन देन की मांग कर रहे हैं। उस पर शिकायत में मैंने FIR दर्ज कर दी है 7 PC में बर्थ सर्टिफिकेट में और 120 BI अभी तफ्तीस जारी है। किसके खिलाफ करें? ये मंडी सुपरवाइजर है। गिरफ्तारी हुई इसके? नहीं अभी नहीं। तो ये किस तरह से फ्रॉड करते, क्या मोड ऑफ ऑपरेंडी से रबी करने का? कुछ बार बेच दें ये बेच दें कुछ ऐसी, अभी तफ्तीश में जो बात सामने आई तभी क्लियर हो, अभी तो कंप्लेंट के अनुसार है बट तफ्तीश में जो बात सामने आई तभी कुछ। कंप्लेंट क्या आई है सर? कंप्लेंट ये आई कि भी सुपरवाइजर है हमारा अंकुल और वो एक आड़ती है उसके साथ मिलकर ना सरकार को चूना लगा रहे हैं। वो किस रूप में चूना लगा रहे हैं सर? भाई ये जीरी जो है बार की बार बेचते हैं अंदर, ये गेट पास में जैसे मिलने मंडी में ये चलता है मंडी में जैसे जीरी आती है उसके। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप की अगुवाई में लखीमपुर खीरे में हुई हिंसा की घटना में मारे गए किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान फोगाट खाप के प्रधान बलवंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा लिया जाए। का आदेश था कि भाई जो लखीमपुर में हमारे किसान भाई शहीद हो गए थे उन शहीदों की याद में पूरे भारत के अंदर हर स्थान पर हर जिला हेडक्वार्टर पर एक श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम रख के उन किसान भाइयों को भाई याद किया जाएगा जो इस किसान आंदोलन जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी थी। तो इसी सिलसिले में आज हमारी सर्वजातीय खाप होगा 19 की तरफ से बाबा स्वामी दयाल धाम पर हमारे सम्मानित उन किसान शहीदों को याद किया है और भाई परम पिता परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास लगाई है और उनको परिवार को भाई ये इतनी बड़ी क्षति होगी दुख हो गया उसको सहने की भगवान उनको शक्ति देश की कामना की है। तो भाई यही प्रार्थना की है और भाई खाप की तरफ से हम एक बात और कहना चाहते हैं, जो राज्य मंत्री है जिस राज्य मंत्री के बेटे ने ऐसी घिनौनी हरकत की है भाई वो राज्य मंत्री का बेटा तो पकड़ लिया लेकिन उस राज्य मंत्री को भी भाई तुरंत प्रभाव से मतलब उसको बर्खास्त किया जाए क्योंकि कुर्सी पर बैठते हुए उम्मीद नहीं की जा सकती सरकार से कि भाई निष्पक्ष जांच हो सकेगी। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।